आज के ब्लॉग में है कुछ डॉग की हेल्थ टिप्स, बर्ड्स के बारे में बात करेंगे और आज हीट स्ट्रोक से कैसे बचें इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हाय फ्रेंड्स, आज हम मॉर्निंग में बिल्कुल सही टाइम पे उठ गए हैं और आज सबसे पहले जैसे मैं करता हूँ अपने बर्ड्स को देखता हूँ, बर्ड्स की क्या कंडीशन है। सुबह सुबह ना बर्ड्स की आवाज़ सुन के बड़ा मज़ा आता है, चर्पिंग आवाज़ सुन के। लव बर्ड की जो सबसे अच्छी बात लगती है मुझे उनके बैठने का स्टाइल, भी ये पेयर्स में बैठती हैं और पेयर्स में बैठने से जो देखने में जो मज़ा आता है वो बहुत ही अच्छा होता है, अमेजिंग होता है, इसलिए मुझे लव बर्ड्स हमेशा से अच्छी लगती हैं। इसके अलावा बजरीज के अंदर भी लव बर्ड जैसी ही चार्मिंग होती है, थोड़ी छोटी हाइट की होती है लेकिन एक्टिव बहुत होती है। तो लव बर्ड्स मैंने एक ऊपर वाले केज में रखी हुई हैं और नीचे वाले केज के अंदर मैंने बजरीज रखी हुई हैं। इनको देखना भी बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस है, खासकर कलरफुल बजरीज। हमारे गार्डन के अंदर गुलड़ के पेड़, हिबिस्कस के पेड़ बहुत ही अच्छे हो रहे हैं और इसके अंदर खूब सारी फ्लावरिंग हो रही है। मॉर्निंग के अंदर इनके फ्लावर्स खिले हुए देखकर बहुत ही अच्छा लगता है, अमेजिंग कलर्स हैं और इसकी बहुत अच्छी मेडिसिनल वैल्यूज़ भी होती है। इसके साथ पे हमारे यहाँ पे कड़ी पत्ता लगा हुआ है, कड़ी पत्ता भी फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स और फुल ऑफ मिनरल्स होता है, बहुत न्यूट्रिशियस प्लांट है। तो ये जो प्लांट है, हिबिस्कस के जो फ्लावर्स हैं, गुलहड़ के जो फ्लावर्स हैं, ये ब्यूटी ब्यूटी फ्लावर्स कह सकते हैं इनको। इसके बाद में हमारे पास में डबल चांदनी है, ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, हरे गहरे पेड़ के अंदर वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। और जो हमारी बेल है, मधुमालती की बेल, ये भी फ्लावरिंग कर रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये हिबिस्कस के फ्लावर्स हैं जो हमने सुखा के रखे हुए हैं, ये तेल में बॉईल करके इनको ऑयल बनाया जा सकता है, इसका पैक बनाया जा सकता है और साथ में ये मेहंदी में भी डाले जाते हैं, बहुत ही अच्छी मेडिसिनल वैल्यूज होती है इनकी। आज छत पर हमारे साथ अयान भी आया है और क्योंकि इसकी वेकेशन चल रही है तो ये भी हमारे साथ में कैनल में आता है और कैनल में हेल्प करता है। इसको डॉग बहुत पसंद है, कोशिश करता है डॉग्स के अंदर जाने की, लेकिन हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं इसके साइज़ की वजह से क्योंकि डॉग एक्साइटेड हो जाते हैं और कभी कभी इसके ऊपर कूदने लगते हैं। एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ गई है कि हमारे एक कूलर के अंदर जो उसकी पंप था वो ख़राब हो गया है और देखा हमने कि वो बिना पानी के चल रहा है और बिना पानी के जब कूलर चल रहा है तो बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करता है। आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई कि हमारी एक कूलर की जो पंप किट थी वो ख़राब हो गई। अक्सर क्या होता है कि पानी गंदा हो जाता है और इसके अंदर से जो घास लगी होती है उसके जो रेशे टूटते रहते हैं वो पंप पे फंस जाते हैं और पंप ख़राब हो जाते हैं अक्सर। तो उसको हमने फटाफट चेंज किया क्योंकि बिना पंप के अगर कूलर चल रहा है तो ये बहुत अच्छा नहीं है, ये ज़्यादा हीट स्ट्रोक की निशानी होती है। बहुत ज़्यादा गर्म हवा अगर फैन फेंकेगा तो एक तरीके से लू चलने लगती है और डॉग इसके अंदर हीट स्ट्रोक में आ जाते हैं और कई केसेस मैंने देखे हैं ऐसे होते हुए। आज एक और बात हुई कि अयान को मैंने क्लीनिंग करते हुए देखा है, ये अपनी मर्जी से करता है, जब इसका दिल करता है ये आता है और मेरे साथ लग जाएगा, पापा आप मुझे आप ये काम कर लो मैं ये काम करूँगा। बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे इन्वॉल्व होते हैं और फादर का पैशन और उसको अपना पैशन बना लेते हैं। बर्ड्स का खाना रह गया था, हम इसको बर्ड्स के खाने को भी डाल देते हैं। इसके अंदर भी चार पांच तरह के दाने रहते हैं, इसमें मक्का, गेहूं, सरसों, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो सबसे पहले चलते हैं ऊपर और कबूतरों की छत के ऊपर हम दाना डाल देते हैं, ये वेट करते हैं हमारा। और जैसे ही दाना छत के ऊपर पड़ता है तो टंकी से उछल उतरना शुरू कर देते हैं। छत पर सबमर्सिबल पाइप लगा हुआ है तो हमने सबमर्सिबल पाइप से डॉग्स के सारे कैनल को वॉश कर दिया है। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो क्लीननेस तो होती है, साथ में ये जो फर्श है ठंडे हो जाते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर 40-45 से ऊपर चल रहा है, तो डॉग्स के लिए बाय चांस अगर किसी वजह से लाइट ना आए तो आराम से ये बैठते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। देखिए डॉग को सबसे ज़्यादा गर्मी जो लगती है ना वो पेट से लगती है, अगर पेट अगर नीचे अगर आपने कोई ठंडी चीज़ रखी हुई है और डॉग उसके ऊपर बैठा भी हुआ है ना तो उसे काफ़ी ठंडक मिल जाती है वहाँ से।
घर आते ही आयान की डिमांड शुरू। उसकी सबसे फेवरेट फ्रूट है वो है मैंगोज, तो बस उन्होंने मैंगो निकाली और अपने आराम से अपना मोबाइल देख रहे हैं, अपना फेवरेट प्रोग्राम देख रहे हैं। क्योंकि आज छुट्टी है, सेकेंड सैटरडे है, तो घर के अंदर ना जो भी काम होता है वो एकदम अलग होता है, स्पेशल होता है। तो आज हमारे नाश्ते में आया है तंदूरी आलू भरी रोटियां, साथ में दही, प्लेन दही और साथ में चटनी। बहुत ही डिलीशियस डिश है ये। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन डिस्कस करेंगे जो डॉग वर्ल्ड के अंदर, ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर एज ए एंटीबायोटिक टाइप यूज़ की जाती है इन्फेक्शन के लिए, आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम डॉग ओनर्स को हमेशा अपने घर में रखनी चाहिए, ये मल्टीपल डिजीज़ में काम आती है। किचन के अंदर हम अपने डॉग्स पर निगरानी रख सकते हैं, दो कैमरे लगे हुए हैं दोनों कैनल्स के अंदर। अब बाई चांस अगर कूलर्स ना चल रहे हो या फिर कोई डिस्टर्बेंस हो छत के ऊपर, डॉग स्ट्रेस में हो, भौंक रहे हो, तो नीचे से हम देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। डॉग्स का खाना बन गया है, ये मिक्स दाल है, इसके अंदर चार पांच तरह की दाल मिली हुई है, साथ में इसमें जूस है, नॉनवेज जूस है, और हमने कल भी दिया था और आज भी हम इनको पंजे देंगे। हफ्ते में एक से दो बार हमें पंजे देने चाहिए। साथ में इसमें कलेजी है और चिकन है। मेरे छत पे आते ही चिंकी और मिकी दोनों खुशी से ना पूरे केज के अंदर दौड़ना शुरू कर देती हैं, और लियो भी तैयार रहता है एकदम, जैसे ही खाना आता है तो वो वहीं से भौंक कर बताता है कि यस आप आयो, आप फटाफट खाना दे दो। ये शाम का सबसे लास्ट काम होता है मेरा, मैं इनको खाना देता हूँ। खाना देने के बाद मैं इनको थोड़ी देर घुमाता हूँ, और घुमाने के बाद मैं थोड़ी देर छत पे बैठता हूँ। मेरी इजी चेयर है, सिट आउट है, आराम से बैठ के फिर थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालते हैं, थोड़ा सा ओल्ड सॉन्ग सुन लिए, किसी फ्रेंड से बात कर ली, कोई सब्सक्राइबर के क्वेश्चंस का जवाब दे दिया, इस तरह से हम इसको फिर शाम को रैप अप करते हैं। गर्मियों के अंदर मैंने आप लोगों को एक चीज़ और भी बताई थी कि डॉग का खाना कम कर दीजिए, खासकर नॉनवेज, नॉनवेज कम कर दीजिए, इसके अंदर वाटर कंटेंट बढ़ा दीजिए और इसके अंदर दही बढ़ा दीजिए। आप कहेंगे कि सर डॉग तो ज़्यादा खाएगा नहीं, क्योंकि अगर हम उसका खाना चेंज करेंगे तो वो खाना छोड़ देते हैं। थोड़े टाइम के लिए हो सकता है कि वो खाना छोड़ दे, लेकिन फिर बाद में वो नॉर्मल हो जाते हैं और अपना नॉर्मल रूटीन से खाने लगते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में जो डॉग्स रखते हैं और डॉग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।